नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कोरोना के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइंस में मुख्य रूप से टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति पर काम करने पर जोर दिया गया है। साथ ही टीकाकरण अभियान पर फोकस अधिक रखने के लिए कहा गया है। जिन भी राज्यों में आरटीपीसीआर टेस्ट का आंकड़ा कम है, इसे बढ़ाए जाने की सलाह दी गई है। गाइडलाइन में कहा गया है कि जब नए कोरोना केस का पता चले तो उसका समय पर इलाज हो और उस पर नजर रखी जाए। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के जरिए सभी संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जाए। कंटेनमेंट जोन की जानकारी जिला कलेक्टर वेबसाइट पर डालें और इस लिस्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से साझा करें। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि जो लोग मास्क न पहने, शारीरिक दूरी का पालन न करें, उन पर भी कड़ी निगरानी रखें और जरूरत हो तो जुर्माना भी कर सकते हैं। कोरोना के मामले अधिक मिलने पर लोकल स्तर जैसे शहर, वार्ड और पंचायत को लॉकडाउन कर सकते हैं। वहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश पर पाबंदी नहीं होगी, खासकर जो लोग व्यवसाय के लिए सीमावर्ती देश में जा रहे हों। गृह मंत्रालय ने कहा कि ये नई गाइडलाइन 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होंगी और 30 अप्रैल 2021 तक लागू रहेंगी। नई गाइडलाइंस में बताया गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर अधिकतर चीजों की अनुमति रहेगी। इनमें पैसेंजर ट्रेनों की आवाजाही, एयर ट्रेवल, मेट्रो ट्रेन, स्कूल्स, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, इंटरटेनमेंट पार्क, योगा सेंटर, एग्जीबिशन खुले रहेंगे। देश में एक दिन में कोरोना वायरस के 40,715 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,16,86,796 हो गई है। एक्टिव केस की संख्या में भी लगातार 13वें दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई है और वो 3,45,377 हो गई है, जो कुल मामलों का 2.96% है। वहीं देश में 199 और मरीजों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,60,166 हो गई। कोविड-19 से मृत्यु दर देश में 1.37% है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।